नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन बाइंग के वर्कशॉप में पार्ट नंबर 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आप लोगों की तरफ से बहुत क्वेरीज मुझे आ रही है और इंटरेस्टिंग क्वेरीज आ रही है, और मुझे पता चल रहा है कि एक ट्रेडर जब ट्रेड करता है तो रियल लाइफ की क्वेरीज बहुत अलग होती है, जो कहीं पे भी कोई नहीं सिखाता, राइट? अभी आज मैं क्या कवर करने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कवर करने वाला हूँ कि लेट्स से कि मैं ऑप्शन बायर हूँ, मेरे पास काफी सारा बेसिक नॉलेज तो है, पर मेरे पास काफी सारा प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। मैं ऑलरेडी एक अच्छे जोन पे हूं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार मैं तो बहुत स्मार्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया, पर लेट्स से अभी आप ऐसे जोन में हो जहां पे बड़ी बड़ी मिस्टेक्स बंद हो गई है, आपको पता चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आप अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां पे पता है ना मार्केट कई बार अपॉर्चुनिटीज देता है हमको, बट हम बड़ा प्रॉफिट कमा नहीं सकते। तो क्या कुछ ऐसी टेक्निक्स है, क्या कुछ ऐसा सेटअप है, क्या कुछ इस तरीके से सोचा जा सकता है कि जहां पे बड़ी मूव कैप्चर की जाए या तो बड़ा प्रॉफिट कैप्चर किया जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो काफी सारे ऑप्शन बायर्स लर्न करना चाहते हैं। हम लोग अभी लैपटॉप पे जाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे एज अ ऑप्शन बायर कुछ चीजें हम प्लान करके बड़ा प्रॉफिट कमाने की कम से कम ट्राई कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। बाकी मार्केट जो हमें देगा वो हमें लेना पड़ेगा, वहां पे हमारा ईगो या एटीट्यूड नहीं चलेगा, राइट? सो बहुत अच्छी तरह से जाते हैं मेरे लैपटॉप पे और सीखना चालू करते हैं। लेट्स गो। तो अब हमें बड़ा पैसा बनाना है, राइट? अब सबसे पहले नंबर वन हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए जब हमें बड़ा पैसा बनाना हो। देखो, हम ये तो नहीं बोल सकते कि भाई पूरा वीक चला जाता है, पूरा एक वीक चला जाता है और हम हर दिन पे पैसा बना लेंगे, हर दिन पे बड़ा पैसा बना लेंगे। ये सबसे बड़ा माइंडसेट पहले यहां से चेंज करना है। जो काफी सारे नए ट्रेडर है उनको क्या है कि हर दिन उनको 1 लाख, 2 लाख, 50 हजार, 25 हजार कमा लेने हैं। ये बड़ा प्रॉफिट हर बार आपको होने वाला नहीं है। सबसे पहले तो एक लिमिटेशन आप एक्सेप्ट कर लो, वीक में एक बार हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, बस इतना टारगेट इनिशियली रखो, ठीक है। दूसरा, एक बहुत बड़ी चीज है, अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए, मुझे बिग प्रॉफिट चाहिए, तो मेरे पास कुछ रिलायबल सेटअप होने चाहिए। रिलायबल सेटअप, अगर सक्सेस चाहिए हमें, बड़ी सक्सेस चाहिए तो रिलायबल सेटअप चाहिए सबसे पहले तो, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक दो सेटअप बताता हूँ, उसमें कुछ लॉजिक है प्राइजेक्शन का, वो आप खुद एक्सप्लोर करके आप यूज कर सकते हो। अभी मेरे पास बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है? एक बहुत ही अच्छा एक सेटअप है, सबसे पहले वो मैं बता देता हूँ आपको, वो बहुत अच्छी तरह से वर्क भी कर रहा है, आप ट्राई और टेस्ट भी कर सकते हो। देखो, आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस वन। ये जो दिन पे क्या हुआ ना, इसका प्राइजेक्शन समझो। यहाँ पे सबसे पहले इवेंट हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है मार्केट। क्या हो रहा है? गैप डाउन, ठीक है? गैप डाउन के बाद क्या हो रहा है, 15 मिनट का जो हाई है वो तोड़ा है, लो तोड़ा ही नहीं है, 15 मिनट का हाई तोड़ा, राइट? इसने लो तोड़ा ही नहीं है, तो लो भी प्रोटेक्ट करके रखा और हाई तोड़ा। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन का लॉजिक क्या बैठ रहा है, सबसे पहले गैप डाउन है, गैप डाउन में क्या हो जाता है तो कि सेलर ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया, ठीक है? जैसे कि क्रिकेट मैच था, सीधी विकेट चली गई। सबसे पहले बाजी आ गई थी सेलर्स के हाथ में, बट फिर 15 मिनट का लो भी नहीं टूटा, 15 मिनट का लो ब्रेक नहीं होने दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब बायर्स आ गए कंट्रोल में कि भाई एक विकेट गई काफी थी, अब आपको इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो बायर्स अभी प्रेशर रहा है टीम पे, और बाद में क्या हो रहा है, 15 मिनट का हाई भी तोड़ दिया, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है पता है कि यहाँ पे एक बार सेलर जीते थे पर यहाँ पे एक बार बायर फिर से बायर, तो ये 2:1 का रेशियो हो गया। अब क्या हो गया बताए, अब ये 360 डिग्री टर्न आ रहा है मार्केट में, ठीक है? और धीरे धीरे देखोगे ना, वो 15 मिनट का लो तोड़ता ही नहीं है और उल्टा 1 घंटे का भी हाई तोड़ा है यहाँ पे। सो यू विल सी कि सिर्फ सेलर थे ना, सेलर, उसके हाथ में सिर्फ एक मौका गया था, बट बाद में बायर्स ने बहुत बड़ा जवाब दिया। इसका मतलब यही हुआ ना कि दो लोगों की टीम चल रही है इंडिया के सामने, अगर इंग्लैंड की एक टीम चल रही है, ठीक है, अगर इंडिया को बैटिंग के लिए भेज दिया तो पहली विकेट चली गई, ठीक है, पहली विकेट चली गई, पर बाद में और कुछ होने नहीं दिया। मैं इनिशियली लगा कि मैच हाथ से गया, पर बाद में और कुछ नहीं हुआ, राइट? सो मैं ये सब एग्जांपल क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड कि मैं प्राइस एक्शन का गेम क्या होता है, राइट? तो अगर आपको ये पैटर्न पता चल गई, राइट, सो व्हेनेवर दिस हैपेंस, जैसे ही ये हाई क्रॉस करता है आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो कॉल के साइड, ठीक है? जो लास्ट एक दो कैंडल ने जो ब्रेक किया है ना, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसका कॉम्बिनेशन लास्ट 1 और 2 कैंडल्स का वो आपको एडजस्ट करके देख लेना है, और फिर उसको अलाउ करो कि वो पूरे दिन बढ़ता रहे। अब किस रेशियो में निकलना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, अप टू,
इनिशियली 1:1 बुक करो, बाद में 1:2 करो, या तो अगर 5 लॉट में एंट्री किए तो पहले 2 लॉट बुक कर लो, 3 लॉट को बाजू में रखो, ये सब चीजें आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ सेटअप्स, अभी कोई स्ट्रेटजी नहीं समझा रहा हूँ, अभी माइंडसेट समझा रहा हूँ, सोचना कैसा है, चीजों को कैसे टारगेट करना है बड़े प्रॉफिट के लिए। फिर यहाँ पे इनिशियली चले जाओ, जैसे कि मैं ओटीएम में चला गया पहले तो, और उस ओटीएम को मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा ना, वो ओटीएम एटीएम भी हो जाएगा, कई बार वो आईटीएम भी हो जाएगा, तो फिर गामा स्पाइक आएगा ना, गामा स्पाइक उसका तो बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट करवाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। दूसरा, अगर रिस्क कम करना है, आप बोलोगे कि सर या क्या ये हर बार वर्क करता है, नहीं करता, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा हाई मार के वो थोड़ा नीचे आए, कंसोलिडेशन हो, वर्स्ट के सिनेरियो में वो और नीचे आए, बट ऐसे चांसेस कितने हैं, 20-10%। आप स्टडी कर लो पिछले 2-3 साल का चार्ट, ठीक है, बहुत कम इंस्टेंसेस होंगे, बट इन एनी केस यू आर अफ्रेड, तो ये जो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट एंट्री हमारी होती है ना, वो ओटीएम में करो आप, ठीक है। फिर आपको लग रहा है कि इसको छेड़ो मत बाद में, फिर आपको लग रहा है कि मार्केट एक और घंटा हो गया टिक रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, आगे जा रहा है, तो सेकंड जो लॉट है वो आप एटीएम आईटीएम में निकाल लो, ठीक है। तो इस तरीके के आप प्लान कर सकते हो ताकि आपको बेनिफिट मिले। सो आपके पास ये पूरी सिस्टम होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कब आपको अटैक करना है, राइट, कि अभी बॉलर वीकर बॉल डाल रहा है, इसको तो मैं चौका या तो छक्का मार के ही छोड़ूंगा। सो यू हैव टू प्लान आउट, यू कांट से कि एवरीडे मुझे पैसा बनाना है, वो तो हार्ड वर्किंग हुआ, राइट। सो अंडरस्टैंड कि ये सेटअप्स पे डिपेंड करता है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, सी सिंपल सिंपल चीज है बट मजा आएगी। अब देखो जैसे कि ये चार्ट को देखो, यहाँ पे एक चीज क्या हो रही है कि मार्केट ने 15 मिनट का लो ही नहीं तोड़ा पूरे दिन, तो क्या होता है, अपना कॉल के साइड फेवर चला जाता है, जितना वो 15 मिनट का लो नहीं तोड़ता है ना, तो फिर से मार्केट में डीप आता है, तो यहाँ पे एक बड़ी पोजीशन लेके फायदा उठा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 मिनट का हाई नहीं तोड़ रहा है, 15 मिनट का हाई तो नहीं तोड़ रहा है, और बाद में थोड़ी देर बाद 3-4 कैंडल मतलब 10:15-10:30 बजे 15 मिनट का लो तोड़ रहा है, अब तो कॉल की पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 हो जा रही है, और देखो कैसा गिरा है यहाँ पे मार्केट। बट कैन यू से कि भाई ये हर बार वर्क करेगा, नहीं करेगा, कैन वी से कि 80-90% चीज वर्क करेगा, करेगा, क्योंकि सेंस बन रहा है, मार्केट ने 15 मिनट का हाई मारा था, अच्छा खासा टाइम लिया, बायर फाइट करने आए थे, फिर से सेलर हावी हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का मैच चल रहा था, सामने इंग्लैंड की टीम थी, ठीक है, सबसे पहले एक विकेट चली गई, ठीक है, फिर 2 बैट्समैन आए, उसने बहुत ट्राई किया, अपने लगा मैच अपने हाथ में आ रहा है, फिर 2 विकेट चली गई। सो धीरे धीरे ये बॉलर्स के हाथ में मैच जा रहा है, तो ऑफकोर्स कॉल की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम हो रही है। मैं यहाँ पे रिस्क लेके पुट डाल सकता हूँ, डाल सकता कोई नहीं डाल सकता, राइट, बट इज देयर एनी गारंटी कि वो इतना नीचे जाएगा, शायद यहाँ से रुक जाए, कुछ भी हो सकता है, बट कैन आई टेक अ चांस, क्या क्या ये चीज लॉजिकल हो रही है, क्या मैं ज्यादा क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम हो, राइट। सो ये सब चीजें ना आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि भाई बड़ा पैसा बनता है मेरे सेटअप से, क्या वो सेटअप में मेरे पास लॉजिक है, क्या वो सेटअप में किसी और को समझा सकता हूँ, क्या वो सेटअप में कुछ बैठ रहा है जो मैं किसी और को समझा के उसको भी मैं गाइड कर सकता हूँ। लुक एट दिस नाउ, अब जैसे कि मैं इसको देख रहा हूँ, गैप अप हुआ वो अच्छा है ना, गैप अप हुआ अच्छा है। अब गैप अप में 15 मिनट का लो ही नहीं टूट रहा है, उल्टा 15 मिनट का हाई टूट रहा है। सो नाउ ऑल द थिंग्स आर इन फ्लेवर ऑफ द अपसाइड, राइट। तो क्या मैं यहाँ पे कॉल में तो जाना है, पर क्या ज्यादा क्वांटिटी से लिस्ट रह सकता हूँ, रह सकता हूँ। तो ऐसे काफी सारी चीजें देखो यहाँ पे कैसा 15 मिनट का गैप डाउन हुआ, 15 मिनट का भी हाई सस्टेन नहीं किया, बहुत नीचे चला गया। यहाँ पे देखो मैं हर बार 10-10:15 बजे इसलिए तक रुक जाता हूँ क्योंकि 2-3 कैंडल मुझे परेशान कर दिए। सो जहां जहां पे व्हाट आई एम सेइंग इज कि जहां जहां पे देखो ये फिर से वो डाउन साइड वाला एग्जाम्पल आया, देखा ना, ठीक है, सेम चीज है। देखो ये चीज है, ये 18 तारीख है, 18 तारीख कौन सी है, डुप्लीकेट हो रहा है यहाँ पे पैटर्न। 18 अक्टूबर याद रखना, क्या हुआ 18 अक्टूबर को, हाई ब्रेक नहीं किया, 2-3 कैंडल बाद लो ब्रेक किया और बाद में लास्ट में कॉन्सोलिडेट हुआ, 18 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, पॉज करके देख लेना। ये चीज किससे मीट कर दी है, मैं आपको एग्जैक्ट ये पैटर्न बताता हूँ, अभी आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे चलता है। एक्चुअली यहाँ पे भी ये चीज हो रही है बट उसको जाने दो, एग्जैक्ट अपने को कहाँ पे दिखी थी ये चीज, ये वाला, इसका क्या डेट है, 22 नवंबर, देखा ना, एग्जैक्ट ये चीज हुई है और यहाँ पे तो कॉन्सिडेंट नहीं, रिकवर हुआ है लास्ट लास्ट में, और ऐसा होगा 2 बजे प्रॉफिट निकाल के बैठ जाओ। बट यू विल सी, मैं ऐसा नहीं बोल सकती है कॉपी पेस्ट पैटर्न आएगी, 20-30% थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन सेंटीमेंट। तो अगर वीक में मैं एक बार बड़ा पैसा बना लूं,
मेरे लिए बढ़ रहा है। महीने में 4 बार मैंने ऐसे मार लिया, जब जब बाउंड्री 6 मारने का मौका था मैंने मार ली, लॉजिकल मारी मैंने, मेरे पास सब रीजंस थे, लॉजिकल मैंने स्टॉप लॉस रखा, लॉजिकल मैंने एंट्री रखी, मैं फेवर में रहा, राइट। एकदम क्लियर माइंडसेट से करोगे तो पैसा बनेगा। प्लीज आप इसको ट्राई करो, ऑब्जर्व करो ये चीजें, मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कर सकते हो जहां पे आपको क्वेरी हो। तो बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, और पार्ट नंबर अभी 9 की बारी है, 10 पार्ट तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, राइट। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहां पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर है जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक YouTube के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।